हेलो गाइस, हम आज ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। तो ये है हम सब लोग। भाषा ब्रेक नहीं इसमें, ब्रेक नहीं है, पिछले वाले ब्रेक नहीं है। अभी हम पहुंच गए हैं बजो डांडा। ये हम भी व्लॉग में, ये है जौनसार की वादियाँ। ये वादियाँ बहुत सुंदर है। ये मामा का ये हम भी आए व्लॉग में आपके यूट्यूब से। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, कम ऑन। यार बारिश होने वाली है, आज हमारा सारा प्लान चौपट होने वाला है। अरे आपने तो खूबसूरत लग रहे हो। मैं? अरे माय गॉड, वो कैसे? ये सर पे बांध रखा है इसलिए। हाँ बेटा, जो ड्रेसअप है ना वो तो बहुत ही अच्छा है। ये क्योंकि मुझे पता था बारिश होने वाली है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए मैंने वो सोच करके, मैं बहुत समझदार हूँ ना, दिमाग से काम करती हूँ, तो मुझे ठंडा नहीं लगेगा। और कि हमें लगा गांव में ठंडी ठंडी हवा होगी, हमें अच्छा लगेगा, फुल एसी का मजा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है और ऐसे कांटे निकल जा रहे हैं ठंड के मारे से। तो अब हम क्या करें, अभी तुम सब परेशान होने वाले हो। जब बारिश होगी तो बहुत ठंडा ठंडा लगेगा और फिर देखो तुम्हारे क्या हाल होने वाले हैं। बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। ये हमारे भाई साहब ट्रैकिंग कर रहे हैं, बाइक से जो स्टंट मारना चाह रहे हैं। यहाँ पे इतनी कच्ची रोड में, देखिए रोड नहीं मेरा ही होने वाला है। ये है हरे राम, बट ये ट्रिप बहुत मजेदार होने जा रही है क्योंकि अभी हमारे साथ और लोग भी ज्वाइन होने वाले हैं। बहुत सारे अभी तो मौसम है, अभी तो अभी इतने और बाकी और भी आने वाले हैं, तो हम थोड़ा तब तक चल रहे हैं। अभी इनको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आप सबको कि इनके क्या, जब तक थोड़ा सा और चलेंगे ना बहुत बुरे हाल होने वाले हैं इनके, तो तब मैं इनकी शक्ल दिखाऊंगी आप सबको कि इनकी शक्ल कैसे। 12 बज गए, चल। हेलो गाइज, अभी हम काफी ऊपर आ गए हैं। अभी देखो इनकी शक्लें, देखो हम तो ठीक है, ये देखो। हाँ अभी तक सांसें मारी थी बड़ी बड़ी सी, ऐसे ऐसे हो रखी थी बुढ़िया की तरह। ये देखो हम तो फ्रेश है, बाकी तो ये है नीचे अभी ठुमक ठुमक के आ रहे हैं, उनसे तो चला ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। ये है पूरे हाल इनके। अभी तो और चलना है, अभी तो बहुत सारा है चलने के लिए। ये देखो हम काफ़ी मेन रोड से काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो शायद दिख नहीं रहा होगा। फिलहाल मैं बैक कैमरा कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने फ्लावर भी लगा रखा है एक ऐसे ही। वाओ देखो यहाँ पे कश्मो भी है, ये देखो दिख रही है आप सबको। खट्टी है यार। अब इसके बारे में कुछ बताओ भाई। ये कश्मो है, ये जंगली फल है, पहाड़ों में होता है ये, और ये जून जुलाई के महीने में ही मतलब आजकल पकता है। तो यहाँ पे तो खैर काफ़ी ठंडा रहता है। ऊपर हम लोग गांव से काफ़ी ऊपर है, चोटी पर आए हुए हैं जहाँ हमारा डांडा है। तो यहाँ पे जो है ये जो कश्मो है ये काफ़ी लेट पकती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंडा है और गांव की साइड में जल्दी अभी पक गई है, तो इसलिए वहाँ पे अच्छी है, मतलब खाने में टेस्टी है। लेकिन जो यहाँ की जो कश्मो है ये खाने में बहुत खट्टापन है, इसमें खाया नहीं जा रहा। ये हम अपने डांडा में पहुंच गए हैं। यहाँ पे अभी अभी ये जियो का टावर लग रहा है, ये हमारा ही खेत है, इसमें जियो का टावर लग रहा है, काम चल रहा है अभी इसमें। अभी ये चालू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी चालू भी हो जाएगा। फिर हमारे गांव में नेटवर्क आ जाएंगे अच्छे से, हम घर से अच्छे से आपको लाइव करके दिखा सकते हैं। ये मेन रोड है, नीचे हम नीचे से पैदल पैदल होके आए हैं। ये उधर सवाई गांव दिख रहा होगा आपको। इधर कोहरा हो रहा है तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। अभी हम बगीचे में जा रहे हैं, सेब के बगीचे में। ये देखो कैसे भाग रहे, जैसे कुछ कभी देखा ही नहीं होगा इन्होंने। हाँ, वैसे देखा भी नहीं है। ये हमारा बगीचा ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है, बस बेचारों में कोई केयर नहीं करता है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये ख़त्म ही हो रहा, काफ़ी पुराना बगीचा है। इसमें तो सेब बचे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये लगे हुए हैं, अभी तो छोटे छोटे हो रहे हैं। ये चलो हम अब बगीचा घूमते हैं थोड़ा सा। वाओ वाओ, ये देखो यहाँ पे सेब लगे हुए हैं। वहाँ पे नीचे है एक ना, ये देख, इसे क्या बोलते हैं यार, इसको क्या बोलते हैं? ये भी फल है। हाँ, खाते हैं इसको। लेकिन तुम्हें किस तुम वो कहोगी इधर। यहाँ पे आजकल बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो इसमें से एक ये भी है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। खाने का होता है ये फल। हाँ, क्या है इसका नाम? पता नहीं, मीठा होता है। ये देखो, ये देखिए कैसे खा रहे, इतने छोटे छोटे एप्पल, बहुत टेस्टी है गाइस। एप्पल खा लो गाइस, भी खा के आए थे और हम यहाँ बंदर की तरह टूट पड़े हैं। ये देखो बंदर की तरह टूट पड़े, ये एप्पल खा लो गाइस। अपना बगीचा है गाइस, अब अपना ही है, अपना ही समझो तुम। चलो अब तुमको मैं मीठा जो है ना, जो जिसपे मीठे लगते हैं वो वाला खिलाती हूँ। चलो आ जाओ, मैं आपको मीठे वाला जो सेब है वो वाला खिलाती हूँ। हम लोग इधर कुरकुरे यहाँ से फिसलना नहीं है, उनकी आना जो बात है उनको आने देना पहले। कांटे भी है, ढंग से आना। इसको पकड़ना सेंटा क्लॉज, इधर से आएंगे ना, फिसलना नहीं भाई। वो इसको यहीं रहने दो। ओए पकड़ पकड़ के आना अच्छे से। ये बहुत सारे लगे हुए हैं यार, ऊपर ही हैं। ये वाले बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन इसको बोलते क्या है याद ही नहीं आ रहा। किरण और कांगे, ये देखो मीठे वाला। ये क्या खा रहे हैं आप? भी तोड़ दो ना। तोड़ ले तो इसके सारे पेड़। ये मीठा है, वो देख वहाँ पे मीठा है, लाल है। वो दिखाना पे लाल लाल करके। ये तो मीठा है। बट अभी बहुत छोटे हैं तो इसमें अभी थोड़ा कड़वापन है। और ये तो एक बार बहुत छोटा हो रखा, कुछ इसकी शायद कटिंग कुटिंग कर रखी है। बेचारे कोई देखता ही नहीं है, हमारा बगीचा ऐसे पड़ा हुआ है। ये सारा नीचे तक है बंजर पड़ा हुआ, बगीचा खराब ही हो रहा है। वो बड़े बड़े हैं। व्यू दिखा दे व्यू। वैसे मजा आ रहा है। आपने चुंगम सूख गया? छोटे हैं लेकिन मजा आ रहा है फिर भी खाने में। उधर बहुत सारे लगे हुए हैं, उधर के पेड़ों में। चुंगम की बड़े चुंगम तो ए बीच में नहीं यार, इसके ऊपर से चल ले। यहाँ पे रास्ता बंद है तो मुझे खोलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी जाने के लिए। ये बाहुबली, ये कुशकार, ये कुछ काकड़ी आराम यही खाते हैं। खाते रहते हैं, बहुत टेस्टी है। बिच्छुगास है, बिच्छुगास सब। ये देखो ऐसे यहाँ पे रास्ता नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं। ये बिच्छू घास का है फल, इसमें फल लगता है। ये बिच्छू घास यहाँ वो है, आराम से ना। ये देखो लगी हुई है इसमें, ये खाते हैं ना, वो टेस्टी लगती है खाने में। बिच्छू घास है ककड़ी। ये देखो कैसे आ रहे बेचारे, रास्ता ही। ये है बिच्छू घास ककड़ी, बहुत टेस्टी खाने में। ये देखो ये तो हाथ से ही काम कर रहे हैं, इनको प्रैक्टिस है इसके खाने की। तो ये हमारी घर की हीरोइन है, ये 3 हीरोइन है और यहाँ पे खड़ी हुई। ये हमारा छोटा सा आशियाना है यहाँ पे। ये बाकी हमारे घर के बच्चे इधर भटक रहे हैं। ये कौन कौन है इधर भाई? अरे हम हैं। अच्छा, दिस इज माय बंगला एंड आई लाइक माय बंगला। अरे यार मेरी दीदी को भी ले लो पीछे। पनड लानी है, पनड आशीष बन कर बस बस। हाय गाइस, हाय। यार वो जल्दी घुसो नीचे यार, दिखोगे नीचे, आराम से टच मत करना, उसे पता चल रहा फोन ऑन तो है नहीं वो। बाय गाइस, हेलो गाइस, हम लोग मंदिर जा रहे हैं सिलगुर। तो काफ़ी चल के आ गए हम लोग, कम से कम कितने किलोमीटर चल गए होंगे हम, 6-7 किलोमीटर चल गए हम। तो अभी इनकी हालत देखो सबकी, गाइस हम बहुत हमारे विदेशी ब्लॉगर परेशान थक चुके हैं। हेलो गाइज, हम लगभग 7-8 किलोमीटर चल गए हैं। अभी भी हम मंदिर से काफ़ी दूर है, दूर काफ़ी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही बचा होगा। यहाँ पे खड़ी चढ़ाई लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मस्त मौसम हो रहा है। ये यहाँ पे फोटोग्राफी करते हुए सारे बच्चे, रुक जाओ इसमें भी ये थक भी रखे हैं अभी सबका सब। तो सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। चलो मैं भी फोटोग्राफी कर लेते हैं थोड़ी सी। ये रहे हमारे बाकी साथी जो जंगल में गुम हो चुके हैं। ये हमारी, ये देखो कैसे थके हारे आ रहे हैं अभी, थक गए बहुत। ये अभी हालत इनकी डाउन है। फाइनली गाइज हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। हाँ बस थोड़ा सा ही बचा हुआ। अभी जो कोहरा आ रहा था वो भी थोड़ा सा हट गया है, तो मौसम थोड़ा सा साफ हो गया है, इसलिए दिख पा रहा है। पहली बार चले भाई मैं, फॉग जो है बहुत ज़्यादा था, अच्छा हुआ कि फॉग जा चुका है और सब हमें क्लियर दिखाई दे। ब्यूटी है वो साफ साफ क्लियर एकदम, कितना सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए, थैंक गॉड एक फोटो खींचना मेरी। और हम चाहते हैं आगे जाना चाहते हैं। ये शिव जी का मंदिर है, हम शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, सिलगुर देवता जी। व्यू एकदम बहुत क्लियर आ रहा है, फॉग पूरा पूरा का पूरा साफ हो चुका है और मस्त है एकदम। आओ कभी जौनसार में, फिर आपको पता चलेगी यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। और जो कि है यहाँ पे वो एकदम प्योर साफ ऑक्सीजन आप सबको मिल जाएगी। बहुत थक चुकी हूँ। हेलो गाइस, फाइनली हम मंदिर पहुँच गए हैं। ये राम मंदिर। अब हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, फिर दर्शन करके फिर जाते हैं वापस। फिर हम लोग थोड़ा सा मस्ती मुस्ती करेंगे एंड एंजॉय करते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ पे। एक्चुअली अभी फॉग आ गया है तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा कुछ। गाइस दिस इज पुलम और ये बहुत टेस्टी है। ये देखिए हमने इतने सारे तोड़े हुए हैं और ये बहुत मीठी है क्योंकि यहाँ पे ठंड की वजह से ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो रखी है। और हम बंदर वाले हैं और हम पेड़ पे चढ़े हैं। पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जितने भी इसमें लगे हुए हैं बहुत टेस्टी है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि इसे और ज़्यादा खाएं। आप लोग आएँ और इसे, जो कि मुझे पेड़ से उतरना आता नहीं है, लेकिन हमने आज अभी पूलम खाए हैं। हम काफ़ी ट्रैकिंग करके आए हैं, मंदिर गए थे, हम काफ़ी ऊपर गए थे। ये यहाँ से दिख नहीं रहा है, अभी उधर कोहरा आ रहा है, फॉगी फॉग। तो हम वहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं, पहले ऊपर गए फिर वापस आए अभी। तो हम सबको बहुत भूख लग रही थी, तो यहाँ पे हमारे बगीचा है सेब का, एप्पल का, और यहाँ पे पुलम भी लगे हुए हैं और नाशपाती लगी हुई है, तो वो सब खाया हमने। आ मेरा पैर, Oh